एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया वीडियो। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डेल इंस्पिरेंस 15515 को HP Fortinet FQ1029EU के साथ, और साथ ही साथ मैंने जब से वीडियो बनाया डेल इंस्पिरेंस 15515 पे, तो यहाँ मुझे हर एक दिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, भैया ये लैपटॉप लॉन्च कब होगा। तो इस पे मैंने डेल कंपनी से बात किया है, आगे मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो चुके हैं हम कौन सा लैपटॉप परचेज करें। तो आप इस वीडियो पूरा देखिए और आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे चैनल चल रहा है गिवअवे कॉन्टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हो 3 लॉजिटेक वायरलेस माउस को। तो अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर पे, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ है Ryzen 3 5300U, जो कि एक बहुत ही पावरफुल CPU है। अगर हम बात करते हैं अंडर 45 के तो ये जो CPU है बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देगा। वहीं हम बात करते हैं GPU पे, तो यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो है इंटीग्रेटेड और इसका नाम है AMD Radeon 6 ग्राफिक। यही AMD Radeon 6 ग्राफिक यूज हुआ था Ryzen 5 4500U में, तो यहाँ पे वही ग्राफिक है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा वो अंडर 45 के एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। और अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो ये कंपेयर आप कर सकते हो Ryzen 5 3500U से बेटर है, या फिर आप बोल सकते हो इंटर i5 10th generation से बेटर है। उसके बाद हम बात करते हैं रैम पे, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ है 8GB की 3200MB DDR4 रैम, और जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोरेज पे, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ है 512GB की PCIe NVMe SSD लगी हुई है, और यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि 512GB सफिशियंट नहीं है मेरे लिए, तो आप एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीद सकते हो। देखो 2TB के खरीदोगे ना तो उसकी जो प्राइस आएगी वो आप बोल सकते हो कि 4000 रुपीज़ के आसपास आएगी, और अगर आप 2TB की SSD परचेज करते हो तो उसकी प्राइस होगी 20,000। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। डेल के लैपटॉप में लगा हुआ है 15.6 इंच की फुल HD WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लगा हुआ है, वहीं पे HP के लैपटॉप में लगा हुआ है 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले। देखो यहाँ पे आप में से बहुत सारे भी सोचेंगे ना कि 15.6 इंच बड़ा डिस्प्ले है तो ये हम लोग के बेटर है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको कौन से साइज का डिस्प्ले परचेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना कि 15.6 इंच का डिस्प्ले बड़ा है तो हमको यही परचेज करना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी, एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद जो आपका कंफ्यूजन है कि कौन से साइज का डिस्प्ले ले वो 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट्स पे, तो यहाँ पे डेल का लैपटॉप हमको देखने मिलेगी USB 3.2 टाइप ए की 2 पोर्ट है, USB 3.2 टाइप सी की 1 पोर्ट है, जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एक HDMI का पोर्ट है और एक मल्टी कार्ड स्लॉट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं HP के लैपटॉप पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है USB 3.2 टाइप ए की 2 पोर्ट है, USB 3.2 टाइप सी की 1 पोर्ट है, एक HDMI का पोर्ट है और एक मल्टी कार्ड स्लॉट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पे, तो यहाँ पे डेल का जो लैपटॉप है वो मेटल और प्लास्टिक दोनों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि लैपटॉप जो अपर लीड है वो बना हुआ मेटल का, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक लैपटॉप को देता है। उसके बाद जो इनर लीड है वो बना हुआ प्लास्टिक का, तो यहाँ पे मेटल और प्लास्टिक दोनों यूज किया गया है, और जो मेटल है वो है एल्युमिनियम। उसके बाद हम बात करते हैं HP के लैपटॉप पे, तो यहाँ पे जो फुल बॉडी है वो बना हुआ प्लास्टिक का, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लुक्स पे, तो यहाँ पे जो डेल का लैपटॉप है वो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, मतलब बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप को देखने मिलेगा। और यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं वेबकैम पे, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में जो वेबकैम की जो पिक्चर क्वालिटी वो एवरेज है, और यहाँ पे डेल के लैपटॉप में बहुत ही अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है प्राइवेसी सेटर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बात करें सिक्योरिटी के नजरिए से तो यहाँ पे प्राइवेसी सेटर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे डेल के लैपटॉप में मिलेगा फिंगरप्रिंट, पर यहाँ पे HP के लैपटॉप का फिंगरप्रिंट देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैकलाइट कीबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आप सभी को पता है डेल के लैपटॉप में बहुत सारा वेरिएंट है, जो सस्ता वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर जो महंगा वेरिएंट होगा जो कि आगे Ryzen 3 5300U के साथ, उसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड सपोर्ट मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं HP के लैपटॉप पे, तो यहाँ पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड आपको देखने मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिविटी पे, तो सेम वही फीचर है जैसा कि आप जानते हो जो सस्ता वेरिएंट होगा डेल का, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा वाईफाई 5 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 5.0, पर जो महंगा वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको देखने मिलेगा वाईफाई 6 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 5.1, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है कनेक्टिविटी में। वहीं पर HP Fortinet FQ1029EU में लगा हुआ है वाईफाई 5 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 4.2। उसके बाद हम बात करते हैं वेट पे, तो यहाँ पर डेल के लैपटॉप जो स्टार्टिंग वेट है वो है 1.63 kg, वहीं पे HP Fortinet FQ1029EU का वेट है 1.46 kg। और यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी पे, तो यहाँ पे डेल के लैपटॉप में बहुत सारा वेरिएंट है, जो सस्ता वेरिएंट होगा उसके अंदर लगा हुआ होगा 41 वाट आवर एक बैटरी,
और जो बैटरी बैकअप होगा वो 4 घंटे के आसपास का होगा, मतलब 4 से 5 घंटे आप बोल सकते हो। उसके बाद हम बात करें जो अपर वेरियंट, उसके अंदर लगा हुआ है 54 वाट आवर की बैटरी और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो 5 से 6 घंटे के आसपास का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं HP Fortinet FQ1029U पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है 41 वाट आवर की बैटरी और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो 5 घंटे के आसपास का होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको इन दोनों ही लैपटॉप बीच में साइड बाय साइड कंपेयर करके बता दिया हूँ कि कौन से लैपटॉप में कौन कौन सा फीचर आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जो डेल का जो लैपटॉप है उसमें जो फीचर वो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा ना वो ये है कि लैपटॉप में कोई पावर का बटन ही नहीं है, बस लैपटॉप को ओपन करो, मतलब लिड को ओपन करो और आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप में लगा हुआ है लिड ओपन सेंसर जो कि बहुत ही काम का चीज़ है, मतलब नया टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है, मेटलिक लुक है तो लैपटॉप बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी वो भी बेटर है और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है लैपटॉप में वो भी अधिक है, 54 वाट आवर की बैटरी, मतलब 5 से 6 घंटे आपको इसलिए निकल जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग जो कि मैंने बात किया था डेल के एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने मुझे क्या बोला इस लैपटॉप पे, आपकी बात सुनिए। हाय गुड आफ्टरनून सर, आई एम रिया फ्रॉम सेल्स टीम, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? हाँ, मुझे एक लैपटॉप लेना है जिसका नाम है डेल इंस्पिरन 15515। मुझे जानना ये कब तक आ जाएगा मार्केट में? सर ये इंस्पिरन 5515 जो मॉडल है वो हमारे ऑफलाइन स्टोर्स के लिए ही लॉन्च हुआ है, तो ये आपको कोई भी ऑफलाइन रिटेलर पे मिल जाएगा, डेल के रिटेलर पे। ये हमारी वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, ये अभी फिलहाल के लिए स्पेसिफिकली खाली ऑफलाइन स्टोर्स के लिए ही है। अच्छा, ये आ चुका है मेरे घर के पास जो स्टोर है वहाँ भी आ चुका है, आपको चेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ना कॉन्फ़िगरेशन ना प्राइसिंग। हाँ, आपको स्टोर से ही चेक करना होगा, एक वेबसाइट है dellretailstores.in करके, वहाँ आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं तो आपके आसपास के जितने भी स्टोर्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू। और यहाँ पर डेल के एग्जीक्यूटिव से बात करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो सारे ही ऑफिशियल स्टोर जो कि डेल के मेरे एरिया में सब पे मैंने कॉल किया और वहां से मुझे एक जवाब मिला कि 10 दिन के अंदर उनके पास वो लैपटॉप आ जाएगा। तो अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो आप ऑफिशियल स्टोर विजिट कर सकते हो, वहां से आपको लैपटॉप मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर अभी जस्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे HP Fortinet FQ1029AU एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये कोई बेकार लैपटॉप नहीं है, मैं सीधा सा बात करता हूँ, ये कोई बेकार लैपटॉप नहीं है, ये 14 इंच एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है और वो लैपटॉप 15.6 इंच का। आप एक बार 14 इंच वर्सेस 15.6 इंच वाला वीडियो देख लीजिएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन जो आपके मन में है वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको लगता है कि मैं आपको मदद कर पा रहा हूँ, तो कोई भी लैपटॉप परचेस करते हो अगर उससे ऑनलाइन परचेस करते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेस करना ना, उससे होता है कि हमें तो सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ तक इस वीडियो के इतना ही, तो अगर आपको मैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ। और लास्टली मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना से बच के रहो।